नमस्कार, मैं उपेन यादव। साथियों, वैसे मैं कल लाइव आया था, अधिकतर जानकारी आपको मैंने दे दी थी, लेकिन कल रात को मैंने कहा था कि जो लेफ्ट टेक्निशियन और रेडियोग्राफी रिजल्ट को लेकर लेफ्ट टेक्निशियन का आज परिणाम आ चुका है। कल ही आपको मैंने सुनकर दे दी थी कि बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी, कल भी मिल सकती है, आज वो उन लोगों को खुशखबरी मिली है। रेडियोग्राफर के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परिणाम जारी हो। आज की हम कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो होली के बाद जल्द उनका परिणाम आ जाएगा, लेकिन कोशिश आज की भी है। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थी है चूरू, राजसमंद, भीलवाड़ा और जो हाँ आचार संहिता लगे है, जिस वजह से कई लोगों को जो है नीचे वंचित कर रखा है। तो साथियों, वहाँ मेरी अभी अधिकारियों से बात हुई है और चुनाव आयोग से आज शाम तक या कल तक परमिशन मिल जाएगी, उसके बाद उनके नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। ये जो लोग वंचित थे, लगातार उनके कॉल और मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि उनके कई साथियों को जो नहीं मिल गई थी और वो परेशान थे, तो उनको जल्द खुशखबरी मिल जाएगी। मेरी बात हो गई, उनके आज डेलीगेशन कार्यालय में आया था। इसके अलावा कॉमर्स वाला जो परिणाम आया, उनकी ज्वाइनिंग जो चयनित अभ्यर्थी, इस संबंध में बात हो गई, उसके भी जल्दी ही आदेश शायद आज हो जाए, वो भी मेरी कोशिश है कि शायद आज हो जाए या कल तक आपके जल्दी आदेश हो जाएंगे। इसके अलावा पीटीआई रिसेप्शन ऑप्शन के भी आदेश जल्द हो रहे हैं, शायद आज कल में ये ऑप्शन शुरू हो जाए, इसके भी आदेश जारी हो। मैं पीटीआई भर्ती 2018 की बात कर रहा हूँ। वही जो जिनकी बाहर की डिग्रियां है, जो ऑनलाइन जो उन्होंने जांच करवाई, जो ऑनलाइन की जो रिपोर्ट उनके पास आ चुकी है, उनके भी आदेश शायद आज जारी हो जाएंगे, जो इनके जो इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, एग्रीकल्चर वाले भी जो अभ्यर्थी चयनित है वो भी भटक रहे हैं, उनकी भी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि जब मामला कोर्ट में, जिनका लंबेतन को रोक दीजिए, लेकिन जो शादी योग्यता है प्राप्त कर रखे हैं उनको ज्वाइनिंग दीजिए। बायोलॉजी का जो मामला अटका पड़ा, उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बायोलॉजी वाले भी लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं। और जो विशेष सेकेंड ग्रेड भर्ती 2018 का डेलीगेशन मिला था, हालांकि कार्यालय में बैठे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड वाले, तो इसमें भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा होली के बाद अभिशंसा आरपीएससी को भेज दी जाएगी। विशेषकर जो सेकंड ग्रेड 2018 के जो अभ्यर्थी जो नींद में सोए रहते हैं, घर से नहीं निकलते, उनके लिए है कि हमारी मांग, मेरे मांग पत्र में शामिल थी, लगातार आपकी मेरी मांग उठाइए और होली के बाद आपको भी खुशखबरी मिल जाएगी। और रही बात अन्य जो है भर्तियों को लेकर, 1 तारीख को मीटिंग है 1600 मांगों को लेकर, कोशिश यही है कि जो वंचित जो रह गए थे 2018 स्कूल व्याख्या था, उनको जल्द खुशखबरी देने के लिए बात की, उनको मिल जाएगी। जो अन्य भर्तियाँ हैं, तो 1 तारीख को उसकी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।